अस्सलाम वालेकुम जी, Juris.pk के साथ मैं उसामा जमील हूँ। नाजरीन, कहा जाता है कि मेडिको लीगल मैटर्स जो हैं ये क्रिमिनल एडवोकेसी में एक इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे जो कि क्रिमिनल लीगल मेडिको लीगल मैटर्स हैं। हमें ज्वाइन किया फराद अली शाह साहब ने। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और साथ ही क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हैं। फराद अली शाह साहब, सर वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सामा, थैंक यू। वक्त को जाया किए बगैर फराद अली शाह साहब, सर आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा मेडिको लीगल मैटर्स बेसिकली होते क्या? उसामा, बेसिकली मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस जो है हमारा सब्जेक्ट है। जितना भी आपका पेनल ऑफेंसेस हैं, इसके सीक्वेंस को सामने रखते हुए आपकी जितनी भी हर्ट के हवाले से, जो भी बॉडीली इंजरी के हवाले से आपके ऑफेंसेस हैं, उसमें मेडिकल लीगल है, उसको एक बड़ा कोरबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे लिया जाए। और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि एक तो आप देखें कि बॉडी इंजरी इस तरीके से शिफ्ट करती है, और जैसे जैसे इंजरी बढ़ती जाती है उस सीक्वेंस वाइज उसका ऑफेंस चेंज होता जाता है, और जैसे जैसे ऑफेंस चेंज होता जाता है और वैसे वैसे जितनी चोट संगीन होती है उसके की सजा और जुर्माना जो है वो भी कंप्लीशन के सीक्वेंस के अंदर बढ़ता जाता है। बढ़ते हैं। अब थर्ड का चैप्टर देखते हैं, 337 के अंदर, तो उसको बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया। कुछ जो है वो शुजा के हवाले से, जो आपका चेहरा और सर के हवाले से इंजरीज है उसको शुजा के सीक्वेंस में लेते हैं। तो जैसे जैसे इंजरी, अब उसके लिए अब मेडिकल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी और मैंडेटरी है कि अगर किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स ने इंजरी जो कॉज की है तो उसके अंदर मेडिकल एविडेंस का कराया जाना बड़ा मैंडेटरी होता है कि उसको ये पता चले कि वो इंजरी जो है उसका सीक्वेंस क्या है, क्या है, अगर हड्डी पर चोट लगी है, हड्डी अगर टूटी है, वो डिस्प्लेस हुई है या नहीं हुई। जैसे आप ये देखें कि अगर किसी को जिल्द पर खराश आती है तो वो खफीफा जुर्म है, उसके बाद अगर वो जिल्द फट जाती है और हड्डी नीचे से नजर आ जाती है तो ऑफेंस जो है वो कन्वर्ट कर जाता है, सजा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन डिसलोकेट नहीं होती तो उसका ऑफेंस डिफरेंट हो जाता है और उसकी सजा डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह अगर हड्डी टूटने के साथ डिसलोकेट भी हो जाए तो उसका सीक्वेंस जो है वो सजा का भी चेंज हो जाता है और ऑफेंस भी चेंज हो जाता है। इसके लिए, इस चीज़ का फैसला करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मेडिकल एविडेंस है, और मेडिकल एविडेंस के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर ने उसका मजरूब का मुलाहजा करना होता है। करने के बाद उसने अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करनी होती है कि इंजरी जो है वो किस सीक्वेंस में फॉल करती है और कितनी इंजरी की संगीनी किस नौयत की है। इसी तरह फिर हमारे जो आपके कत्ल के केसेस हैं, जैसे आपके नेगलिजेंट ड्राइविंग के हवाले से जो मैन स्लॉटर इंग्लिश लॉ के अंदर हम यूज करते हैं, उसके अंदर पोस्टमार्टम की बड़ी ज्यादा अहमियत है। आप पोस्टमार्टम की सीक्वेंस के अंदर हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर जैसे बे शख्स का ये कहा गया कि जिसने 30 फीट के फासले से फायर मारा और वहां पे मेडिकल के अंदर ब्लैकनिंग आ रही है, तो मोदी और पारिक अगर आप देखें मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के हवाले से जो हमारी बड़ी अथेंटिक बुक्स हैं, तो उसके अंदर उन्होंने मैकेनिकल जी वायलेंस के चैप्टर के अंदर ये सारा सीक्वेंस दिया हुआ है कि आपने इंजरी जो क्रिएट करता है बुलेट, और फासला चेंज होने से उसका बुलेट का जो वो इंजरी को चेंज हो जाता है। जैसे ब्लैकनिंग जो है वो 5 से 6 फीट के अंदर ब्लैकनिंग आती है, इसी तरह जी स्मजिंग आ जाती है, टैटूइंग आ जाती है, इसी तरह गैसेस, जैसे ही गोली ट्रैवल करती है उसके उसके साथ उसका शोला भी निकलता है, उसके साथ गैसेस जो है वो ट्रैवल करती हैं तो वो बर्निंग आ सकती है, टैटूइंग आ सकती है और उसमें स्मजिंग आ सकती है, ब्लैकनिंग आ सकती है। तो उससे बेसिकली फासला निकाला जाता है कि आइदर वे ऑक्युलर अकाउंट जो है वो कितने सच पे मबनी बात कर रहा है और कितनी झूठ पे बात कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हो जाती है मेडिकल एविडेंस। और फिर दूसरे सीक्वेंस में ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे एक ये भी सूरत हाल रही कि लोग खुद साख्ता सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज कहते हैं हम, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज से एक दूसरे लोगों को अपने स्कोर सेटल करने के लिए मुलव्वस कर देते हैं। तो उसके अंदर फिर हमारे जी जो मेडिकल हेल्थ रूल्स हैं, मेडिकल हेल्थ रूल्स के अंदर फिर उन मेडिकल ओपिनियंस को चैलेंज किया जा सकता है और उनके लिए बोर्ड फिर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और बोर्ड फिर उसका मुलाहजा करने के बाद वो अपनी ओपिनियन फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद कोर्ट्स जो हैं उस पर अपना किसी भी केस का फैसला करते हैं। तो इस हवाले से इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं तमाम वो लोग जो कि क्रिमिनल साइड पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उन्हें ये
बताना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल जूस स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ आएगी, आपको मेडिकल जूस स्टूडेंट्स आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छे फौजदारी वकील नहीं साबित हो सकते। देखें, जैसे आपको सीआरपीसी प्रोसीजर के लिए पढ़ना है, जैसे आपको पेनल ऑफेंसेस का सीक्वेंस समझने के लिए आपको पेनल कोड पढ़ना है, ऐसे ही आपको एविडेंस करने या एविडेंस समझने के लिए कानून शहादत पढ़ना है, तो इसी तरह मेडिकल स्टूडेंट जो है इसकी बुक्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है अगर आप समझना चाहते हैं। अगर आपको यही पता होगा कि इनसाइज्ड वुंड क्या है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फायर आर्म इंजरी क्या है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ब्लंट मीन्स इंजरी क्या है, अगर आपको यही नहीं पता कि शार्प एज इंजरी क्या है, तो आप कभी भी फौजदारी वकालत के अंदर कभी भी अपना ना तो वैलिड डिफेंस ले सकते हैं और ना ही आप अपना किसी सीक्वेंस के अंदर उस केस को अच्छे तरीके से रिलीफ जो है वो ओरिएंटेशन फिर सिर्फ आपकी ख्वाहिश की रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप उससे कोई कोई किसी किस्म का भी रिजल्ट जो है वो आप प्रैक्टिकली रिजल्ट नहीं दे सकते। ठीक हो, जैसे सर आपने बात की पोस्टमार्टम की, तो ये पोस्टमार्टम का बताया, बॉडी रिकवर हो गई, पुलिस की कस्टडी से हॉस्पिटल आ गए, इसके क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं और किस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो चलता है? उसामा, बेसिकली सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या जो भी पुलिस ऑफिसर एक डेड बॉडी को डील करता है, वो सबसे पहले उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है। किसी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट बताता है, जिसको हम रिपोर्ट मर्ग कहते हैं। वो बेसिकली उसमें वो जो जाहिरी तौर पे डेड बॉडी जहाँ से मिली, वो हमारा पुलिस रूल्स के मुताबिक एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसके ऊपर मुख्तलिफ खाना जात दिए हैं कि मरने वाले का नाम क्या है, मरने वाले की उम्र क्या है, मरने वाले के खंदो खाल क्या थे, मरने वाले की डेड बॉडी किस हालत में पड़ी थी, क्या आंखें खुली थी, बंद थी, मुंह खुला था, खून जारी था या रक्तिक हो गया था, टाइमिंग्स क्या थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट मर्ग के अंदर मैंशन करना इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। और इस इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बेसिकली एफआईआर के साथ फिर भिजवाया जाना होता है एसपी साहब से, जारी करवाने के बाद डॉकेट एक मेडिकल ऑफिसर को, और मेडिकल ऑफिसर फिर उसके बाद मेडिकल लीगल वहाँ का जो सेंटर है वो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और उसके अंदर फिर ये बेसिकली रिपोर्ट मर्ग बनाने का मकसद ये होता है कि किसी डॉक्टर साहब को मैनेज करके कोई एंटी मॉर्टम है, कोई इंजरीज जो थी, आप रिपोर्ट मर्ग में ये ना हो कि कल को पोस्टमार्टम मैनेज करते और पोस्टमार्टम इंजरीज क्रिएट करने के बाद एफआईआर के लूप होल्स या लकूना फिल अप करने के लिए। तो इसलिए पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट मर्ग के सीक्वेंस के अंदर उसको बनाया जाता है, और उसके बाद फिर जो मेडिकल ब्रांच है आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस हॉस्पिटल की, वो उसका फिर पोस्टमार्टम करते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकायदा तौर पर जारी किया जाता है, जो मेडिकल के मुताबिक भी एक पोस्टमार्टम का प्रिस्क्राइब फॉर्म है, और उसके अंदर मेडिकल ऑफिसर को अपनी ओपिनियन जो है कि इसकी इंजरीज क्या है और इंजरीज की नौयत क्या थी और डेथ कौन सी इंजरी बनी है, और उसमें फिर अगर कोई पॉइजन का केस हो या और दूसरे सीक्वेंसेस हो तो फिर उसमें केमिकल एग्जामिनर और ब्लास्टिक एक्सपर्ट और उसमें फॉरेंसिक साइंस के हवाले से वो रिपोर्ट्स लेने के बाद अपनी फाइनल ओपिनियन देता है, और उस वक्त तक ओपिनियन को रिजर्व भी कर सकता है। और हमारे पास ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं कि जिसके अंदर वो लिखते हैं कि हम फाइनल ओपिनियन जो है उस वक्त देंगे जब हमें केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, ब्लास्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्ट्स हमें देंगे, तो उसके बाद हम फिर इसको फाइनल ओपिनियन अपनी। ये सामा जी सर, आपने बात की रिपोर्ट की, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आ जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका डिफेंस लेते हुए, और उसका कितना अहम रोल होता है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, और किस तरह से उसको डायग्नोस करके और साइनोसिस बना के केस में जो उससे रानुमाई ली जा सकती है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है वो तो है इंजर्ड के हवाले से, वो एक डेथ के हवाले से नहीं है, वो इंजरीज के। इसमें जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, जिसे रिपोर्ट मर्ग कहते हैं। मतलब मेडिकल लीगल रिपोर्ट या मेडिकल स्टेट जिसको हम आमतौर पर एमएलआर और एमएलसी कहते हैं, ये बेसिकली इंजर्ड पर्सन के हवाले से लेकिन एक शख्स फौत हो गया है, उसको कत्ल कर दिया गया, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, उसको हम रिपोर्ट मर्ग उर्दू में कहते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जारी करता है डॉक्टर। तो ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट या मेडिकल लीगल स्टेट या इंक्वेस्ट रिपोर्ट को आपको डिफरेंस समझ, अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो फिर बात नहीं। जी उसामा जी, अच्छा, ये जो डेक्लेरेशन होती है, डाइंग डेक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन, इसमें क्या फर्क होता है और इसकी कितनी अहमियत होती है,
केस के अंदर? समर डाइंग डिक्लेरेशन का बेसिकली नज़ई बयान हम इसको कहते हैं उर्दू में, कि एक मरने वाला शख्स जो अपना बयान देता है मरने से कुछ अरसा पहले, उस बयान के सीक्वेंस के अंदर अब वो अपनी वजह बताता है कि उसको किस तरीके से किन हालात में इंजर्ड किया गया या उसको पॉइजन दिया गया, जिससे उसकी उसको वो इस खतरे में लाहक हो गया, उसको मौत मर जाने का खतरा अच्छा लाहक हो गया। तो ये बेसिकली रिपोर्ट मर के सीक्वेंस में आता है, इसको डाइंग डेपोजिशन भी कह सकते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली चैप्टर इसको गवर्न करता है कानून शहादत का, और उसके अंदर वो सारा का सारा सीक्वेंस दिया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से वो SOPs या पैरामीटर्स जो हैं वो उसके अंदर मैंशन किए। सेकेंड थिंग इज कि आपका अगर आप चैप्टर देखें CRPC का, तो 174A स्पेशल प्रोविजन है डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से, कि अगर एक शख्स को कैरोसिन ऑयल से, पेट्रोल से अगर जला दिया जाएगा, अगर उसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा, तो उसके अंदर फिर उन्होंने स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड कर दिया है कि उसका बयान डॉक्टर लिखेगा, अगर डॉक्टर नहीं है तो करीबी मैजिस्ट्रेट लिखेगा, और अगर मैजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल डॉक्टर लिख रहा है तो उसको दो सील बंद लिफाफों में उसको पैक करके एक जज को भिजवाया जाएगा और एक SP को भिजवाया जाएगा, और उन लिफाफों को उस वक्त खोला जाएगा कि जब ट्रीटमेंट हो रही होगी इन प्रोसेस ऑफ ट्रायल, और अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया तो फिर वो हेयर से एविडेंस उसको तसव्वुर किया जाएगा और उसको डाइंग डिक्लेरेशन के जुमरे में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये इस प्रोविजन के अंदर वर्ड हेल इस्तेमाल होता है जो कि मैंडेटरी सीक्वेंस में आता है। अगर आपका स्टैट्यूट के अंदर मे का लफ्ज है तो वो मैंडेटरी नहीं आएगा, लेकिन अगर शेल का वर्ड यूज हुआ है तो मैंडेटरी सीक्वेंस बनेगा और वो उसको फिर आपको लाजमी तौर पर करना पड़ता है। तो ये चैप्टर थोड़ा आपके मेडिकल लीगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो डॉक्टर है उसका बड़ा अहम रोल है इस सारे मामलात के अंदर, तो इसमें डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? अगर वो इसमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है सारे एविडेंस में, ये सारे मामले में, पोस्टमार्टम में, तो इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? उसामा, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। बेसिकली डॉक्टर्स मैनेज हो जाया करते हैं और इसीलिए फिर मेडिकल हेल्थ रूल्स के अंदर आप ऑप्ट करने के लिए एक प्रोविजन दी गई है कि पर्सन अगर किसी डॉक्टर की किसी ओपिनियन कोई शख्स एग्रीव्ड है तो वो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाने का ऑर्डर ले सकता है मैजिस्ट्रेट साहब से, और मैजिस्ट्रियल कोर्ट के ऑर्डर एज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो उसमें ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर रूल आ जाते हैं हेल्थ रूल्स के, उसके अंदर 21 दिन के अंदर अंदर आपके, क्योंकि उसमें मकसद ये है कि जख्म हील अप हो जाते हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, तो उन्होंने हेल्थ रूल्स के 1985 के मुख्तलिफ रूल हैं, फिर वो 91 में तो कुछ रीअमेंड किया गया, तो वो बेसिकली मेडिकल हेल्थ रूल्स के मुताबिक वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है और वही उसको गवर्न करता है कि वो बोर्ड बन सकता है। फिर एक सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड बनता है, अगर आप उससे भी एग्रीव्ड हैं तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और प्रोविंशियल लेवल पे आपका सूबाई लेवल पे बोर्ड बन जाता है जो उसको प्रॉपर तरीके से। सर आवाज आ रही है आपको? बाप डिफेक्ट से रिजल्ट तो नहीं दिया तो ये सारा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी पिछले 2 मिनट से। सर आवाज नहीं। जी जी सर, अब आ रही है, रिपीट कीजिएगा सर। हेलो, आ रही आवाज आपको? जी सर, आवाज आप आवाज चली थी सर आपकी, तो आप बताइएगा क्या कह रहे थे आप? मैं आपको ये कह रहा था कि बेसिकली जो आपका ये जो आप जिस बात कर रहे थे ना, मेडिकल हेल्थ रूल्स हैं आपके जो गवर्न करते हैं कि अगर किसी भी मेडिकल ऑफिसर ओपिनियन से एग्रीव्ड हो तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड जो है इलाका मजिस्ट्रेट की परमिशन से वो बनवा सकता है, और डॉक्टर्स का बोर्ड जो है वो रिविजिट कर सकता है उस मामले को, और अगर उससे भी कोई एग्रीव्ड हो तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ को एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके अंदर प्रोविंशियल लेवल पे जो है स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बन जाता है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओपिनियन को देखता है, और उसको देखने के बाद मुलाहिजा करने के बाद वो अपनी ओपिनियन दे सकता है। तो ये पूरी की पूरी हायरार्की है जिसके मुताबिक ये रूल्स जो हैं ये प्रॉपर तरीके से गवर्न करते हैं। राइट। अच्छा सर, एक है वो नेचुरल डेथ से मरा है या कुदरती तौर पे मरा है, तो क्या उसके वारिसीन जो है वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं अगर उनको कोई शकूक व शबहा हो?
تو اس سلسلے میں رانمائی پر یہ چیپٹر جو ہے یہ بیسیکلی ایگزیومیشن سے متعلق ہے کہ لوگوں کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ یہاں پہ مسلمان لوگ ہیں اور مسلمانوں میں جو ہے وہ قبر جو ہے وہ اس کو بنوانے کا ایک ہمارا اسلامک طور پہ بھی اور ہمارا کسٹم بھی ہے, تو اس میں ایگزیومیشن جو ہے وہ بیسیکلی مین چیز ہے کہ جس کے اندر قبر کشائی کا جو پورا پروسیس دیا گیا اور وہ قبر کشائی جو ہے وہ بھی علاقہ میجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس کے اندر پھر علاقہ میجسٹریٹ صاحب پہلے دیکھتے ہیں کہ ادھر وے یہ لیگل ایئر بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, کہ یہ کوئی اس میں ایسا ویلڈ انہوں نے پیس آف ایویڈنس لگایا ہے جو پلازیبلٹی کو ٹچ کرے اور اس کے بعد وہ قبر کشائی کا حکم دے سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ ہر اپلیکیشن پہ وہ قبر کشائی کا حکم دے دیں, ویسے اس آرڈر کو ریویژن میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ سپریم کورٹ تک لوگ جاتے ہیں سیکوینس کو لے کے, لیکن ایگزیومیشن جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر ایس ایچ او 174 کی کاروائی کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی شک اور شبہات ہو کہ کسی نے کسی کو قتل کر کے اور صرف ایویڈنس چھپانے کے لیے کسی کو دفنا دیا ہے تو اس کی قبر کشائی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہیلتھ رولز کے اندر بھی پورا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے پرنسپلز اور ایس او پی دیے گئے ہیں, اور اس میں پھر اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی موجودگی میں جو ڈاکٹرز کا بورڈ بنتا ہے وہ نہ صرف قبر کشائی کرتے ہیں بلکہ وہاں سے سیمپلنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پھر جو ہے وہ قبر اسی طریقے سے باعزت طریقے سے اس کو پھر جو ہے اس کو کور اپ کر دیا جاتا ہے اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس پروسیس کو ایگزیومیشن کا پروسیس کہتے ہیں. جی اسامہ. رائٹ سر. اچھا سر ایک اور سوال آیا کہ جو اٹاپسی رپورٹ ہے اس کو ایز اے ڈیفنس ورژن جو ہے وہ کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے, اگر آپ ڈیفنس کاؤنسل ہیں تو آپ کس طرح سے اٹاپسی رپورٹ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے اس کو سٹرینتھن کرنے کے؟ دیکھیں ہم اس کو مختلف, اس میں ہماری انٹرپریٹیشن آف لا آپ اٹھا کے دیکھیں تو مختلف ججمنٹس آ چکی ہیں. جیسے ڈیلیڈ پوسٹ مارٹم ہے تو پہلے بیسیکلی پرانے رولز یہ تھے کہ دن کی روشنی میں پوسٹ مارٹم ہوتا تھا, لیکن اب کیونکہ لائٹ اویلیبل ہے تو اب رول امینڈ کر دیے گئے, اب 24 گھنٹے میں اٹاپسی ہو سکتی ہے. اور اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ کی اٹاپسی جو ہے وہ لیٹ کی گئی ہے اور پوسٹ مارٹم میں لاش آئی اور اس میں نارملی ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ پولیس پیپرز نہ ملنے کی وجہ سے یہ ڈیلیڈ پوسٹ مارٹم ہے, تو ہم اس سے نارملی ایز اے ڈیفینس لائر اس سے جو چیز فارمولیٹ ہم کرتے ہیں, جو ہمارا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ایف آئی آر ڈیلیڈ درج ہوئی ہے اور اسی لیے پولیس پیپرز جو ہیں وہ لاش کے ساتھ نہیں بھجوائے گئے تھے, رپورٹ مرگ نہیں بنی تھی, وٹنسز موجود نہیں تھے, اور اس وجہ سے ڈیلیڈ پوسٹ مارٹم جو ہے. اور اس پہ اگر یہ پڑھنا چاہیں, یہ شاہ صاحب کا میں پڑھ رہا تھا جنہوں نے بھی کوسچن کی ہے شہریار شاہ صاحب کا, تو اس میں ججمنٹ ہے, اس میں بے شمار ججمنٹس ہیں. ابھی 2020 سپریم کورٹ بھی ہے, اس سے پہلے 2013 سی ایم آر پیج 54 ہے یا پیج 51 ہے, وہ آپ دیکھ لیں گے. ان دو پیج سے مجھے کلک کر رہی ہے, وہ بیسیکلی ڈیلیڈ پوسٹ مارٹم کے اوپر انہوں نے اس پوائنٹ پہ جو اخذ کیا, جو ہولڈ اپ کیا, وہ یہ کیا کہ اسے آپ اس سیکوینس لے سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیوٹرڈ ایف آئی آر تھی اور کنکوکشن آف سٹوری کرنے میں ٹائم لگا, جس لیے پوسٹ مارٹم ود ان ٹائم نہیں کیا گیا, اور یہ ڈاؤٹ کے سیکوینس میں چلا جاتا ہے اور لوگوں کو اس بات پہ بری کر دیا جاتا ہے جب آپ یہ ثابت کر لیں کہ یہ پوسٹ مارٹم ڈیلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم کرنے تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی اور ڈیلیڈ ایف آئی آر تھی, اور ڈیلیڈ ایف آئی آر کے جو پھر نقصانات ہیں وہ پروسیکیوشن کو فیس کرنے پڑتے ہیں. رائٹ سر, پروسیکیوشن کو فیس کرنے. اب سر اس کا کنکلوژن شروع سے لے کر اینڈ تک, تاکہ جو ہے ایک سیشن کو اختتام کی بڑھا جائے. اسامہ اس میں میں تو جو ریکمینڈ کروں گا دیکھنے والے جو میرے دوست ہیں, میرے ینگ بہن بھائی ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میڈیکل جو اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ سے تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, تو اس پہ آپ کو مودی یا پارکھ جو ہیں انڈین آتھر, ان کی بکس ہیں مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل, ایک تو آپ کو وہ بکس پڑھنی چاہیے. سیکنڈلی آپ کو اس کا سیکوینس دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھی میڈیکل جورسپروڈنس کے حوالے سے ڈکشنری ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے اندر میڈیکل ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ نارمل ہمیں کم سننے میں ملتی ہیں, تو وہ اس کی وہ ورڈز ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ان ورڈز کو اپنا, اگر آپ ایم ایل سی دیکھ رہے ہیں یا ایم ایل آر دیکھ رہے ہیں یا پوسٹ مارٹم دیکھ رہے ہیں, تو اس کو آپ اس میں سے ان لفظوں کو نکالیے اور ان کو علیحدہ لکھنے کے بعد ان کو میڈیکل جورسپروڈنس کی بکس سے اس کو دیکھیں کہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں کیا, آپ اس کو اپنی ڈکشنری سے دیکھیں, اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ آؤٹ کریں, اس کو آپ کو ورڈز بھی مل جائیں گی, اس کی تھیوری بھی مل جائے گی,
उसका मतलब भी आपको मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं तो फिर आपके इर्द गिर्द आपके कजन और आपकी फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं। मैं तो नॉर्मली अपने जो दोस्त डॉक्टर होते हैं मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, विद इन फ्यू मिनट्स आप बिल्कुल बड़ी आसानी से उस सीक्वेंस को समझ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, इसको इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ता है। लेकिन केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स हैं या ये आपका ब्लास्टिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है या आपकी FSL की रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए मैकेनिकल वायलेंस का जो चैप्टर है उसमें आपको सारे के सारे देखें। अगर आप फौजदारी वकालत करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेपन्स की टाइप्स क्या हैं, सॉफ्ट वेपन कौन से हैं, शॉर्ट गन्स कौन सी हैं, उनमें किस किस्म का असला जो है, उनकी एम्यूनेशन किस किस्म की यूज़ करती है, उनकी वेलोसिटी क्या है, उनका कैलिबर क्या है। नॉर्मली आप कहते हैं 30 बोर, नॉर्मली आप कहते हैं 223 बोर की राइफल, तो ये बोर्स आपको समझने पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा मैकेनिकल वॉयलेंस का चैप्टर जो है वो कवर करता है मेडिकल जिसप्रूडेंस का, जो आपको मोदी की बुक में मिलेगा और पारेख की बुक में मिलेगा। तो ये दो बुक्स ऐसी अथेंटिक बुक्स हैं जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती हैं जब आपका वो मेडिकल लीगल का या मेडिकल जूसपोर्ट्स का चैप्टर कवर अप करने के लिए। तो ये बुक्स का मुताला किया जाना बड़ा ज़रूरी है और उन वर्ड्स को सर्च आउट करना बड़ा ज़रूरी है, उनके मीनिंग्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपका नॉर्मली आप देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास एक स्केल्टन लगा होता है पिक्चर वाइज, तो अगर आप वो स्केल्टन एक अच्छा ले लें चार्ट वाइज बना हुआ, तो आपको सीक्वेंस समझ लग सकता है कि बॉडी कैविटी क्या है, आपको सीक्वेंस समझ लग सकता है कि आपका बेसिकली बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको वाइटल ऑर्गन्स का पता लग सकता है, आपको बेसिक बहुत सारी हमारे पास इंजरी की जो आती है मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बॉडी एरियाज को टेम्पोरल एरियाज को डिफाइन किया, जैसे जैसे टेम्पोरल रीजन है कि आपका माथे की साइड कनपटी बोलते हैं, मतलब वो रीजन्स आपको समझ आ जाते हैं। तो वो इस सीक्वेंस को टेक्निकल, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको टेक्निकल अप्रोच से ही आप मीटअप कर सकते हैं। सर राइट सर, आपने बुक्स बता दी सर, जजमेंट्स और अहम तरीन जिनका मुताला जरूरी है वो भी हमारे देखने वालों को रहनुमाई फरमाइएगा। देखें इसके ऊपर हमारे पास अगर आप देखें तो एपेक्स का सुप्रीम कोर्ट का SCMR रसाले के अंदर आए रोज जो केसेस डिसाइड हो रहे हैं उसके अंदर पूरे तरीके से लेटेस्ट जजमेंट्स छप रही हैं और उन जजमेंट्स के अंदर मेडिकल लीगल का चैप्टर जो है वो बिल्कुल कवर अप किया होता है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें मेडिकल लीगल इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन की बाबत है। अभी रिसेंट जजमेंट्स आ रही हैं DNA के ऊपर, इसी तरीके से आपकी जजमेंट्स जो आपकी आ रही हैं कि ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से, तो वो लेटेस्ट जजमेंट्स जो हैं वो आपको इजीली मार्केट में बुक्स में अवेलेबल हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको सारा सीक्वेंस जो है वो पता चलता जाएगा। बेशुमार जजमेंट्स हैं क्योंकि कोई भी ऐसी 302 की एपलेट फोरम की जजमेंट नहीं है जिसके अंदर मेडिकल एविडेंस के हवाले से कोई ना कोई लेटेस्ट प्रिंसिपल लेटेस्ट रूल जो है उसको इंटरप्रेट ना किया गया हो। राइट सर, फराद अली शाह साहब सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी उसामा, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।